आइए आपको प्रयागराज की ओर ले चलते, जहां थाना कीटगंज के उपनिरीक्षक अमित कुमार सिंह को सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्र अधिकारी तृतीय प्रयागराज अमित कुमार आनंद द्वारा कप ऑफ द मंथ सितंबर की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर्किल तृतीय में इस तरह की व्यवस्था है जिसमें हर उपनिरीक्षक निरीक्षक को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों के अंक दिए जाते हैं। आपको बताते चले कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के निर्देशन में अक्टूबर महीने में यह योजना पूर्ण जिले में लागू कर दी गई है। हमारे सर्कल में जितने भी उपनिरीक्षक हैं निरीक्षक हैं उनके द्वारा किए कार्यों का मूल्यांकन होता है, उनको अंक मिलते हैं कि उन्होंने कितने एमवीएच चालान किए हैं या कितनी गिरफ्तारी की है, कितनी 116 जैसी कार्रवाई करी है, ऐसे हर कार्य के लिए उनको अंक मिलते हैं। और पूरे मंथ के एंड में जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होता है उसे कप ऑफ द मंथ की ट्रॉफी दी जाती है। इससे उनको मोटिवेट किया जाता है और इस कप ऑफ मंथ ट्रॉफी और सीरीज चलाने से लोगों में जो हमारे कर्मचारी हैं एसआई हैं इनमें मोटिवेशन बढ़ा है, एक पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा बढ़ी है जिससे काम और बेहतर हुआ है। और पिछली बार जो कप ऑफ द मंथ दिया गया था तो एसएसपी प्रयागराज सर के निर्देशन में ये पूरे ज़िले में लागू कर दी गई है। तो अक्टूबर माह से ये पूरे ज़िले को में ये कप ऑफ द मंथ की स्कीम चलेगी। और इस बार जो सर्कल थ्री में जो टॉपर आए हैं अमित सिंह, उन्होंने 2080 पॉइंट के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। जो सेकंड नंबर पर है अजीत कुमार अतरसुइया थाने से और अमर सिंह परमार थर्ड नंबर पर है कीटगंज थाने से। किस तरीके से इसका मूल्यांकन करते हैं, क्या क्राइम रेशियो देख के मूल्यांकन किया जाता है कि कम है कि किस तरीके से इसका मूल्यांकन करके ये नंबर्स दिए जाते हैं एरिया वाइज? इसमें हर कार्य करने के लिए इनको पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि इन्होंने 116 करी तो 0.5 नंबर, एमवी एक्ट का चलान किया तो 3 नंबर। ये नंबर देते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि जिन कार्यों से पुलिस की प्रेजेंस बढ़ती है, पब्लिक के साथ इंट्रैक्शन बढ़ता है, विजिबिलिटी बढ़ती है, उनको ज़्यादा अंक दिए गए हैं। जैसे एमवी एक्ट का चलान हो या शराब के दुकानों के बाहर अगर कोई शराबी है उनके ऊपर कार्रवाई करनी हो या इस तरह के, या जो शौदे हैं जिनके ऊपर हम लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं कि लड़कियों को परेशान ना किया जाए, जो हमारी महिला सुरक्षा संबंधी जितने कार्य हैं उनको ज़्यादा अंक दिए जाते हैं। ऐसे कार्य जैसे कि 116 हो गई, चार्जशीट FR हो गई, इनमें 0.5 से लेके 1 नंबर दिया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि पॉइंट्स लेते हुए किसी व्यक्ति का नुकसान ना हो और जो पॉजिटिव वर्किंग है उसी पर ध्यान दिया।